महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 45 उम्मीदवारों के नाम हैं। सबसे अहम बात यह है कि MNS प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को उनके गृह क्षेत्र माहिम विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। अमित ठाकरे अपने चचेरे भाई आदित्य ठाकरे के बाद चुनावी मैदान में उतरने वाले दूसरे ठाकरे होंगे। राज ठाकरे के नेतृत्व में सोमवार को एक अहम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पार्टी नेताओं ने निर्वाचन क्षेत्रों के पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट देखने के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की थी। चर्चा का मुख्य केंद्र उन निर्वाचन क्षेत्रों में मजबूत उम्मीदवारों को खड़ा करना था जहाँ जीतने की संभावना अधिक हो।